सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Yo, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? Welcome back to another video of gameplay series. So guys, आज हम एक और न्यू गेम ट्राई करने वाले हैं, जिस गेम का नाम है Rope Frogg Ninja Hero स्ट्रेंथ गैंगस्टर वेगास। मतलब कि इतना बड़ा नाम भी होता है क्या किसी गेम का? मतलब जितनी भी बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं, निंजा हीरो, Rope Frogg, स्ट्रेंथ गैंगस्टर वेगास, सभी गेम्स का नाम मिलाकर एक गेम बनी है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं इस गेम के अंदर क्या होने वाला है। करेक्टर जो है हमारा थोड़ा बहुत स्पाइडरमैन की लुक का है, एंड स्पाइडरमैन फेंकता था जाला जो होता था हमारे मकड़ी वाला, बट ये फेंकेगा रोप, तो नाम से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो अभी चलते हैं गेम को ट्राई करेंगे। स्क्रीनशॉट्स तो बहुत ही प्यारे दे रखे हैं, मतलब लुंडा स्केटबोर्ड भी चला रहा है। गेम के डाउनलोड्स हैं 10 मिलियन, तो गेम जहां तक है होगा थोड़ा बहुत ठीक ठाक। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले देखते हैं करेक्टर भी है भैया गेम के अंदर। करेक्टर देख ले भाई, क्या पता हल्क वल्क भी मिल जाए इसके अंदर। तो यहां पर हैट तो ऐसे दे रखे, दो कोड़ी की सारी, और स्किन्स है यार करेक्टर के नाम पे, स्किन दे रखी है, मतलब और कुछ भी नहीं है करेक्टर में, आप बस स्किन चेंज हो जाएगी। और वेपन्स में मिल रही है आर्मर है भैया, बड़ी सही चीज है। और पिस्टल्स हैं ओके के 47, शॉर्ट गन, मिनी गन, फ्लेम थ्रोअर, 5x मोल्टॉक, भाई सही चीज़ है, थोड़ी बहुत बढ़िया है। अब प्ले करते हैं गेम को सबसे पहले, एंड देखते हैं हमें कैसा जो है ओपन वर्ल्ड गेम तो लग रही है जहाँ तक मुझे। हाँ भाई ओपन वर्ल्ड गेम है, क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम का एकदम लुक ही अलग रहता है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो हम आ चुके हैं अपनी सिटी के अंदर, एंड आज हम करेंगे बिल्कुल तबाही। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा जंप का बटन थोड़ा बहुत सीख ले, इससे तेज भाग रहा है प्लेयर। और ये वाला किस चीज़ का बटन है भाई? इससे बम फेंकेगा क्या यार? पंच का, ओके, इससे मतलब फाइटिंग का बटन है। और ये कौन सा भाई? ओ भाई ये आंख वाला बटन, यानी कि आंख से लेजर फेंक रहा है, नाइस बे, ओके। तो ये भाई हार्ले डेविडसन फोड़ दी मैंने सिर्फ और सिर्फ दो लेजर में, एक और बाइक आ रही है। ना 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 ना, ये तो बहुत बढ़िया बाइक है भाई, इसको हम चलाएंगे, ये नहीं फोड़ेंगे हम। एक बार ही देख लूँ मैं ड्राइव का बटन कहाँ पर आता है, तो भाग रहा है। तो यहाँ पर आप रोप का, ओके, मैं रोप का यूज़ कर दिया भाई, मतलब कि रोप अगर आपके पास है ना, मतलब मजा ही आ गया भाई। अब कहीं पर भी जाना होगा मेरे को, मैं सिर्फ और सिर्फ रोप यूज़ करने वाला हूँ। अभी चलते भैया बाइक लेकर, पूरी सिटी में इतनी तेज भगाऊंगा ना, मतलब सारे कांप जाएंगे। सबसे पहले तो चलाते, काश में स्पीड मीटर भी होता, मजा आता। ओ भाई पुलिस में दे मारी भाई, सब मेरे को लग रहा है मेरे मरने वाला हूँ मैं। अबे पुलिस तो कुछ कह ही नहीं रही, और मेरी बाइक कहाँ जा रही है यार अकेले भागते भागते, पागल हो गई है क्या? और पुलिस ने कुछ कहा नहीं यार, कितनी अच्छी बात है, शायद डरते होंगे इस रोप हीरो से, मतलब पता नहीं क्या। ओके तो बाइक अटक चुकी है, वो भाई मेरी इतनी महंगी बाइक अटक गई यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कोई बाइक निकालनी है, कुछ भी करके निकालने भाई, इतनी महंगी बाइक है मेरी। ओके तो ये यहाँ से थोड़ी बहुत हिल तो चुकी है, शायद निकल गई मेरी बाइक। तो अभी देखते हैं यहाँ पर, बट इसमें ड्राइव का बटन नहीं आ रहा है, और यहाँ पर मेरे ऊपर ना एक स्टार का जो है, मतलब कि केस जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर A1 लेवल की जो है पुलिस पड़ गई थी, बट अभी बच गया हूँ, मतलब कुछ कह नहीं रहा, मेरे को पता नहीं लग रहा क्यों नहीं कह रहे। अभी इसमें आपको पुलिस मारेगी, ऐसे नहीं कि पुलिस कुछ कहेगी, नहीं मारेगी भाई। तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर आप रोप का यूज कर सकते हैं गाड़ी निकालने के लिए, भाई सही चीज है। तो मैंने गाड़ी को तो अपनी निकाल दिया, यहाँ पर चलते किसी ढंग की जगह पर, मेरे को ना अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चलाना है, तो उसके लिए चाहिए कोई ढंग की जगह। तो अभी पहले देखते हैं यार कहाँ पर जाया जाए, तो अभी मेरे को ढंग की जगह नजर नहीं आ रही। तो गाइस अभी मैं अपनी गाड़ी को लेकर आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर, एंड अभी देखते हैं भाई यहाँ पर हमें फुल ट्रैक मिला हुआ है भाई गाड़ी चलाने के लिए, सही है यार। और भाई प्लेन जा रहा है, अब इस प्लेन से रेस लगाएंगे भैया, फुल स्पीड में देनी पड़ेगी गाड़ी पूरा, क्योंकि सीधा रोड है, कुछ करना नहीं है, बस रेस देनी है। तो यहाँ पर ये बाइक है तो बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट है भाई। ओके तो हमने गाइस प्लेन को ओवरटेक कर दिया, यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड है इस बाइक में भाई साहब, बहुत ज़्यादा स्पीड है, मतलब आप खुद देख लो एयरप्लेन को इसने ओवरटेक कर दिया यहाँ पर। और ये तो बड़ी सही चीज़ है, यहाँ पर अगर आप बैक फ्लिप मारना चाहते हो, मतलब कि एक टाइप से जैसे मौत का कुआं होता है कुछ उसी टाइप का है, तो बड़ी सही चीज़ है। तो यहाँ पर यार मतलब मजा बहुत आ रहा है मेरे को इस गेम में बाइक चलाने में, एंड अभी इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीज़ें बची है, सब कुछ करेंगे यार, तबाही मचा देंगे सिटी के अंदर। तो अभी पहले हम देख ले गेम के अंदर में क्या क्या मिलने वाला है। एयरपोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, अभी चलते कुछ और करने। तो ओके गाइस अभी मैं मतलब को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस गेम में करा क्या जाए, मैं एयरपोर्ट के पास जो है मैं मतलब अंदर ही घूम रहा हूँ एयरपोर्ट के, एंड मेरे सामने ना एक बहुत बड़ी फ्लाइट खड़ी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ यार इसको कैसे चलाया जाए। तो अभी इसके अंदर कुछ एंटर वेंटर का तो बटन आ नहीं रहा है, तो शायद हम इसको जो है ड्राइव नहीं कर सकते अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है। एंड इधर एक छोटा सा प्लेन खड़ा हुआ है, तो इसको देखते क्या हम इसे ड्राइव। ओ भाई इसके नीचे एक पैंजर खड़ा हुआ है, नाइस यार, ये तो बहुत अमेजिंग टैंक है, और मैंने गेट इन करा। ओके तो हम एक प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं, अब इस प्लेन को एक बार ही ना उड़ा कर देखते हैं अभी भाई, मतलब ये तो इसमें सही है जॉयस्टिक से उड़ जाएगा। और ये कहाँ अटक गया यार मेरा प्लेन? अच्छा नीचे शायद टैंक में अटक चुका है, ओके तो यहाँ से उतरना पड़ेगा। ओ भाई ये कहाँ फेंक दिया? पर जमीन में क्यों घुस गए हम? वाओ ओके गाइस वी आर बैक इन द सिटी। तो अभी अब गुस्सा चढ़ गया, अब करनी है तबाही, क्योंकि मैं पिछली बार बेमतलब में मरा हूँ, मतलब कि यार मैं एक प्लेन के अंदर बैठा, मेरे पे 4 स्टार की पुलिस जो है लग गई थी मेरे पीछे, बट वो आई नहीं थी मारने, मैं गाड़ी से मतलब कि प्लेन से उतरा, जैसे एग्जिट करा मैं जमीन के अंदर घुस गया, और पता नहीं कहाँ जाके भिड़ा गया, मैं मर गया सीधा। तो भी हम जाएंगे सीधा एयरपोर्ट सबसे पहले, तो एंड वहाँ से मैं उठाऊंगा वाला पैंजर और सबको फोड़ूंगा सीधा, मतलब यार ऐसे बेमतलब में मारा मेरे को। एंड यहाँ पर भी मैं शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा हूँ जाने का, एंड बिल्कुल स्पाइडरमैन टाइप में इसको कंट्रोल करना सीख गया हूँ थोड़ा बहुत। ये नीचे का खड़ा हुआ भाई,
ओके तो हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ भाई साहब मेरे आगे। नाइस यार, अब करेंगे भाई इससे तबाही, तो इससे वैसे क्या तबाही होगी, हेलीकॉप्टर से कुछ होने नहीं वाला। एंड यहाँ पर हेलीकॉप्टर पे एक मारने का भी बटन बना पड़ा है, यानी कि शायद हम इससे फायर कर सकते हैं इस हेलीकॉप्टर से। एंड ये थोड़ा हेलीकॉप्टर उस टाइप का जैसे उसमें आता था यार, एक गनशिप नाम की एक गेम थी, तो क्या नाम था उस गेम का नीचे कमेंट में जरूर बताना यार, उस गेम का क्या नाम था। एक गनशिप थी जिसमें हम हेलीकॉप्टर उड़ाकर मारते थे, एंड इस हेलीकॉप्टर में सेम टू सेम उसी टाइप से यार फायर के दे रखे। ओके तो नाइस यार भाई, क्या लग रहा है बंदों के, और ये नीचे टैक्सी वाला बच गया। अरे ये थोड़ा स्लो है इसके यार, जो आरपीजी निकल रहे हैं इसके, यानी कि जो रॉकेट लॉन्चर्स है इसके, बहुत ही स्लो जा रहे हैं, तो इस गाड़ी वाले को तो नहीं छोड़ेंगे। इसकी गाड़ी में पूरी आग लग चुकी है इस टाइम, अब ये नहीं बचने वाला भैया, अब तू कहीं भी भाग ले मेरे को, क्योंकि चढ़ चुका अभी गुस्सा। तो ठीक है तुम सब गए, अब पूरी सिटी तबाह कर दूंगा अब तो सबसे पहले। तो लो भैया गाड़ियां फोड़ दी, अब तो जो मर्जी आ जाओ, टैक्सी वाला भी पिटेगा। टैक्सी वाले ने लाके जल्दी गाड़ी में ठोक दी भाई, अभी वो तो और ही अंधा हो रखा है। तो चलो अभी मारते हैं। ओके तो मेरे ऊपर 2-3 स्टार पुलिस लग चुकी है भाई मेरे पीछे, अब होने वाली है भैया गेम के अंदर तबाही। तो अभी देखते हैं हमें कौन आता है मारने वाला। तो यहाँ पर एक और एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस को भी मार देते हैं सबसे पहले। तो ओके तो अरे पीछे तो फायर ब्रिगेड आ गई, अबे पता तो कर लो पहले आग लगी किस लिए, ये खुद फूटने आ गई है यहाँ पर। लो भाई आते ही फूट दे फायर ब्रिगेड को भी, ये पता तो कर लेते भैया आग लगी कैसे, सीधा आग बुझाने आ गए पहले। तो अभी खुद भी मर गए हैं वो लोग इसी वजह से। तो अभी सिटी में कुछ बंदे तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्हें पता है नहीं, इतना एरिया तो लगभग खाली हो चुका है, कोई है ही नहीं अभी इस एरिया में, सब डर चुके हैं। एक और फायर ब्रिगेड आ रही है भाई साहब, क्यों आ रहे हो तुम लोग, पहले पुलिस को तो भेजो अपनी, उनको भी बताएंगे सबसे पहले। तो ओके तो वी आर बैक अगेन इन द एयरपोर्ट, तो अभी हम दोबारा एयरपोर्ट के अंदर आ गए। अभी कहाँ चलना है भाई, एक तो यार इसमें रेंडरिंग का बहुत इशू है, पूरा रेंडर नहीं होता इसके अंदर। अभी दोबारा आ चुका, पिछली बार यही प्लेन हमने उड़ाया था जिस वजह से हम मर गए थे, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। बट अभी देखते हैं क्या हम इस प्लेन को दोबारा से उड़ा सकते हैं कि नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इसे उड़ाया जा भी सकता, क्योंकि इस टाइम बटन ही नहीं आ रहा यार बैठने का, क्या सीन है। वो ये प्लेन जा रहा है भाई साहब, ये प्लेन तो जा रहा है यार, इस प्लेन को आज फोड़ेंगे, आज इस प्लेन को फोड़ेंगे हम लोग, आज हम प्लेन फोड़ने वाले, ऐसे कुछ नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम गाड़ी लेंगे एंड गाड़ी को लेकर ठोक देंगे प्लेन के अंदर, ठीक है। तो चलो भाई ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होने वाला है। तो अपनी गाड़ी जो है रेडी हो चुकी है, तो ये गाड़ी की शक्ल थोड़ी बहुत फॉर्च्यूनर टाइप है, तो लग भी रही है थोड़ी बहुत, पूरी फॉर्च्यूनर की कॉपी है। तो ये प्लेन जो है जाने भाई, अच्छा लग रहा है प्लेन तो यार, काफी मन नहीं कर रहा इसको ठोकने का। तो अभी हम इस गाड़ी को ठोकने वाले हैं सीधा, अबे भाई इतनी कमजोर गाड़ी होती है कि कोई पेड़ में ठुकते ही इसकी तो पूरी आत्मा बाहर आ गई यार, पूरी की पूरी ऐसे धुआं निकाल लिया जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई, पतंजलि की गाड़ी लग रही है मेरे को तो। ओके तो इसके टायर वगैरह ठोक दी प्लेन के भाई, प्लेन को भी पूरा झटका लग गया कि यार ये क्या हुआ। ओके तो इसको आज मैं जाने नहीं दूंगा कहीं पर भी, ले तेरी ऐसी की तैसी, आज तू नहीं जाएगा, आज उड़ नहीं सकता भैया तू, आज नहीं उड़ने देंगे तेरे को। फूट क्यों नहीं रही भाई गाड़ी, अबे क्या कूड़ा गाड़ी है भाई साहब, एक टक्कर में इतना धुआं छोड़ दी, अब फूटने को राजी नहीं है, मतलब क्या करते भाई, इतना कमजोर इंजन है इस गाड़ी का। ओके तो प्लेन भाई जा रहा सीधा, ओ भाई प्लेन जा रहा है फुल स्पीड में, बस इसे उड़ने नहीं देंगे आज, कुछ भी हो जाए इसमें टक्कर ऐसी मारूंगा ना गाड़ी फूट जाएगी और ये भी फूट जाएगा। ओके अबे भाई उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है यार, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई, अपनी गाड़ी तो दिखा भी नहीं भाई, वो इतनी तेज उड़कर गया ना भाई, पहली फुर्सत में वापस निकल रहा हूँ, दिखा भी नहीं क्योंकि यार वो मेरे को, और गाड़ी का हालत देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है हमारी गाड़ी। तो भैया अब मेरे को गुस्सा चढ़ गया एयरपोर्ट पे, मैं दोबारा नहीं आने वाला, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब थोड़ा बंदे पीटेंगे चल के। ओ भाई ये तो मस्त है यार, कैसे जंप मार रहा है, बढ़िया है। तो अभी चल के थोड़े बहुत बंदे पीटते हैं पहले। ओके गाइस हम यहाँ से पहले तो निकलते हैं, एंड अभी हम जाने वाले सबसे ऊंची बिल्डिंग पे, क्योंकि मेरे को इस पूरी सिटी का एक व्यू देखना है। तो यहाँ पर सिटी मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे चढ़ना है यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, तो मतलब डायरेक्ट आपने रोप का बटन दबाना है एमिंग करके। तो यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग भाई बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो इसकी छत पर चढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा व्यू मिलता है नीचे का, ठीक है। और यार काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर से बिल्डिंग है, और भाई अब भी मैं इस मैप के सबसे ऊंचे एरिया पर जो है आकर बैठ चुका हूँ, सबसे ऊंचे एरिया पर। ओए ये बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और एक बंदा स्केटबोर्ड चला रहा छत पर, भाई ये लोग ऑफिस में काम करने आए हैं कि टाइम पास करने आए हैं, अब इनकी तुड़ाई करनी पड़ेगी पहले। ये लोग सिगरेट पीने आते हैं छत पे, और ये निंजा को देखो भाई, उन तीन का तो समझ आ रहा है ये निंजा क्या कर रहा है यहाँ पर। और यार ये मारता बहुत गंदा रो पी रहे हुए देखो, मतलब कि पकड़ के सीधा गोल गोल पहले तुम्हें एक झूला झूलाएगा, इतनी खतरनाक राइड देगा और फिर मार देगा, और पहले तो निंजा ज्यादा चौड़ा हो रहा है। चल भाई निकल तू, ये वाली कार भी काफी अच्छी लग रही है, एंड रोप का और क्या क्या यूज है मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओके तो कार जा रहा है, इसका पीछा कैसे करें। ओके तो एम्बुलेंस आ रही है मेरे आगे। ओके तो अगर आप इस रोप का यूज करेंगे तो आप गाड़ियों को उड़ा सकते हैं, देखो भाई। ओके ये वाली दिखा भाई, ओ तेरी बंदे भी गिर जाएंगे उस गाड़ी के अंदर से, तो आपको जो भी आइए आइए जरा हटिए जरा, ये देख लो भाई, अब बंदे को तो मैं ऐसे नचाना चाहे मारूंगा। अरे लेट गया भाई तो रोड पे। ओके तो पीछे लैम्बोर्गिनी वाला आ रहा है, अबे ये देखो मैं तुम ही मार लो पहले, तो एक तो मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए पहले। अबे अरे भाई क्या हो गया, रोप ही तो मारी थी भाई, अबे ये तो भाई मारने लग गए थे ज्यादा, और तो गाड़ी में इतने एक एक बार छोटी छोटी बात पर आग लग जाती। ले भाई अब आते साले, मैं अपने असली पावर दिखा देता हूँ ना पहले इनको, अभी भागेंगे फटके इनकी। तो यहाँ पर असली पावर दिखा दी वहीं डर के, और मेरे को इतनी ज्यादा ओके तो लैम्बोर्गिनी में आग लग चुकी है, पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है। तो पुलिस यहाँ मेरे को क्यों नहीं कुछ कह रही है यार, मतलब मेरे को मारा तो इतना डर क्या लग रहा है तुम्हें। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ भाई, क्योंकि क्या पता सही में ही मारने लग जाए तो भैया अलग ही भसड़ मच जाएगी। तो गाइस आज की इस गेम प्ले वीडियो में इतना ही है, अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर, इस गेम के ऊपर और भी गेम प्ले वीडियोस अपलोड करें, तो प्लीज मुझे नीचे आकर कमेंट में जरूर बताना, एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके 5000 लाइक
जो है जल्दी से कंप्लीट कर देना। एंड यार बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि यार ये वाली गेम खेलो वो वाली गेम खेलो, तो प्लीज़ अगर आपको कोई भी अच्छी गेम मिलती है जो कि अंडररेटेड है यानी कि उसे कोई भी नहीं खेलता, मतलब बहुत कम बंदे जानते हैं उस गेम को, तो आप उसका गेम का नाम मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना, हम उसको भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय गेमर्स आर्मी।